नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज UNI। मैं प्रीति सिंह। सोशल मीडिया पे एक वीडियो जम के वायरल हो रहा है जहां पे एक ग्राहक ने ओला शोरूम को सीधे आग लगा दी। ये आग उसने गुस्से में आके लगाई। दरअसल जो ग्राहक है वो ओला शोरूम का दौरा लगातार कर रहा था क्योंकि उसके इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगातार समस्याएं आ रही थी। जब उसे ग्राहक सेवा जो उसे चाहिए था वो जब नहीं मिला तो उसने गुस्से में आके शोरूम को सीधे आग लगा दिया। आइए देखिए ये वायरल वीडियो। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई जहां एक ग्राहक ने ओला के शोरूम को आग लगा दी। यह शख्स मोहम्मद नदीम ने यह कदम उठाया क्योंकि उसे अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए उचित ग्राहक सेवा नहीं मिल रही थी। मोहम्मद नदीम ने एक महीने पहले 1.4 लाख रुपए की कीमत वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी स्कूटर में समस्याएं आने लगी। नदीम ने बार बार शोरूम का दौरा किया लेकिन जब कोई ठोस समाधान नहीं मिला तो उसकी नाराजगी चरम पर पहुंच गई। उसने गुस्से में आकर शोरूम को आग लगा दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शोरूम की इमारत में धुएं और आग के लपेटे देखी जा सकती है। वीडियो में आग की भीषणता और शोरूम की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस दुर्गा पूजा न्यूज UNI लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना एड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं एड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, एड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।